आज से 7 महीने पहले मेरे पीछे जो आप पीसी देख रहे हो, ये जो सेटअप है सीपीयू का एंड मॉनिटर का, ये पीसी मैंने बिल्ड किया था एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 1 लाख रुपीज। ये मेरा अभी तक का सारे गैजेट जो मैंने परचेज किया उनमें से सबसे हाईएस्ट अवेलेबल था। ना मैंने जो मॉनिटर है वो मैंने पहले परचेज कर लिया था, इट कॉस्ट मी अराउंड 15,000। जो पीसी था उसका प्राइस था 75,000, जो पीसी आई मीन सीपीयू है मेरा। बट जो गलती मैंने किया इस पीसी बिल्ड करने के लिए वो आप ना करो, इसलिए ये वाला वीडियो भी आपको देखना चाहिए। ये पीसी बिल्ड मैंने ऑफलाइन से किया था, गुवाहाटी से, और वहां पर जाके मैंने लगभग 1 हफ्ता लगा दिया था इस पीसी बिल्ड करने के लिए। जो जो स्पेक्स में लेके गया था वो कुछ उनके पास नहीं था। देखो, अगर मैं ऑनलाइन मार्केट से सारे कंपोनेंट को बाई करके खुद ब खुद असेंबल कर लेता तब मुझे लगता था भाई सही रहेगा। अब उसका मुझे इतना आइडिया नहीं था कौन सा वाला कौन सा सही रहेगा, या फिर असेंबल का इतना गाइडेंस नहीं था मेरे पास फर्स्ट टाइम, इसी कारण मैंने यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट सेलेक्ट किया। बट द एक्सपीरियंस इज लिटिल वर्स्ट, मुझे उनका सर्विस इतना सही नहीं लगा। जो भी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जहां से मैंने परचेज किया था, शायद आपको डिटेल मिल जाएगा सामने, को मैंने कोई गेमिंग करने के लिए नहीं लिया। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो भी रीजन आपको शायद पता होगा, वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, मुझे सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना था अपने पीसी पर। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख पर आपको जाना चाहिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए या फिर उससे कम प्राइस में आपका हो जाएगा, क्योंकि इसे बिल्ड करने के बाद मुझे काफी सारी चीजें पता चला। अब जो ये गुवाहाटी पर शॉप था इसका नाम था इनोवेशन। अब इस शॉप पर उससे पहले मैंने दूसरे एक शॉप पर गया था, नाम भी याद नहीं है मुझे। तो पहले जो शॉप पर गया था वहां पर इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, मुझे कुछ सही नहीं लगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आया था, जो भी स्पेक्स लेके आया था कुछ भी ढंग का नहीं था। बाद में उन्होंने मंगाया जो भी चीजें था वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ, क्या क्या चीजें कितना प्राइसेस पड़ा आप देख सकते हो। ये रिसीट है जो लास्ट पर मुझे मिला था। अब ये जो है टोटल कॉस्ट पड़ा था, टोटल जीएसटी वगैरह लगा के 75,000। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ये सारी चीजें ना और भी बहुत कम प्राइस में शायद आपको भी देखने को मिल जाए। जो चीजें मुझे चाहिए था वो स्पेक्स उनके पास अवेलेबल नहीं था। एंड देन उसके बाद आपको तो पता ही होगा सारे दुकान का वही काम चलता है भाई, जो भी है उससे बना लो, काम हो जाएगा, काम अच्छे से हो जाएगा, बहुत लोगों ने बनाया ये वगैरह वगैरह भाई सुन के बाद में मैंने डिसाइड कर लिया। वो जो बोल रहे हैं मैंने थोड़ा बहुत चेक भी किया खुद से, ढंग का था, इतना भी खराब नहीं था, बट सही था उनका स्पेक्स भी, तो मैंने बिल्ड कर लिया। क्या क्या स्पेक्स मैंने यूज किया, कौन सा रैम, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड, कौन सा प्रोसेसर, सब बताऊंगा। देन ये पीसी क्या मेरे लिए वर्थ इट रहा इसे बिल्ड करने के बाद, 7 महीने हो गया अभी तक, क्या क्या मुझे इश्यूज देखने को मिला इस पीसी को बिल्ड करने के बाद, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या इसमें हम प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डाविंची रिजॉल्व जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको भी इतना महंगा पीसी बिल्ड पर इन्वेस्ट करना चाहिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए, या फिर उससे कम प्राइस में हो जाएगा आपका बिल्ड। इस पीसी को बिल्ड करने के लिए मैंने किस तरह का स्पेक्स यूज किया ये सारे लिस्ट आपके सामने है। अगर मैं आपको कहूँ ये सारे स्पेक्स यूज करने के बाद भी कोई भी मुझे कोई इस तरह का इश्यूज वगैरह फेस करने को नहीं मिला, सारे स्पेक्स, मुझे लगता है कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ा डाउनग्रेड है बट स्टिल इट वर्स प्रीटी वेल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये पीसी बिल्ड वर्थ इट रहा मेरे लिए। अब इस पीसी सेटअप को कंप्लीट बिल्ड करने के लिए मुझे लगभग ना सारे एक्सेसरीज, कीबोर्ड, माउस वगैरह मिला के 90,000 के आसपास पड़ गया था। तो मैंने यहाँ पर 5,000 और ऐड कर लिया, कुछ चीजें और भी मैंने यहाँ पर किया था। यहाँ पर मॉनिटर था हमारा 18,000 का, LG का मॉनिटर था, मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दूंगा। ये मॉनिटर मैंने ऐड किया, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है। अब यहाँ पर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू पर यहाँ पर आपको पता ही है 75,000 काफी सही काम कर रहा है अभी तक। अगर आपको मैं कहूँ 7 महीने हो चुके, कोई भी इशू मैंने अभी तक फेस नहीं किया इसको लेके। एंड जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन आपको पता ही होगा फास्ट रेंडरिंग, जो हमारा भाई सारे वीडियो एडिटर का रहता है एक्सपेक्टेशन, ये फास्ट रेंडरिंग बहुत खतरनाक करता है। मैंने 4K तक का वीडियो ना, 5 मिनट का वीडियो मैंने 1 मिनट में एक्सपोर्ट कर दिया, 2 मिनट में एक्सपोर्ट कर दिया, इस तरह का भी एक्सपोर्ट हो जाता है इसमें। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या हम इसमें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डाविंची रिजॉल्व वगैरह सब यूज कर सकते हैं जो इंडस्ट्री लेवल होते हैं, जिनमें अच्छे अच्छे भाई 3D रेंडरिंग, ब्लेंडर वगैरह बिना लैग किए? मैं आपको बता दूं कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत जबरदस्त होता है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको इतना महंगा पीसी पर इन्वेस्ट करना चाहिए, आई मीन इतना महंगा पीसी बिल्ड आपको करना चाहिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए, या फिर आप सिंपल सा यूट्यूब वगैरह काम करते हो, यूट्यूब वगैरह का वीडियोस एडिट करते हो? तो मैं आपको बता दूं नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने इसे बिल्ड किया ना इतना पैसा देके, मेरा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स है, मैंने और भी चीजें सोच के रखा है, जैसे कि एडिटिंग वगैरह और भी करना है, तो वो सारा चीज को मैंने देख के बनाया। दैट्स व्हाई अगर आपका सिर्फ यूट्यूब है ना, यूट्यूब को लेके बैठे हो, वीडियो एडिटिंग आपका इतना मैटर नहीं करता, देन आपको 1 लाख में नहीं भाई 50,000 में बहुत खतरनाक पीसी बिल्ड हो जाएगा। आप ये 30,000 वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने काफी पहले बनाया था, काफी सही पीसी बिल्ड इसी प्राइस में भी हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए इस पीसी बिल्ड के बारे में तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।